अच्छा श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो, ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा है, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र है। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखें, मूर्ति में भगवान दिखें, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी हैं। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम है, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है, और राम जी भगवान है उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कालभूषण जी कौए के रूप में है पर कौआ नहीं है, श्री गंगा जी नदी के रूप में है पर गंगा जी नदी ही नहीं है, श्री हनुमान जी बंदर के रूप में है पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है, इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में है पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रखो तो एक समय बाद वह बर्फ हो जाता है। और पानी है निराकार और बर्फ है साकार, तो निराकार पानी को साकार बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं मिलाना पड़ा। कटोरी में भरकर फ्रिज में रखना पड़ा तो वह साकार हो गया कि नहीं? इसी तरह वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, उसको आप अपनी भक्ति निष्ठा की अपनी भक्ति भावना की कसौटी में देखो भाई। जय हो, जय जय श्री राम, जय सीताराम। फिर दोहरा रहा हूं, जैसे निराकार पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देने से वह साकार बर्फ बन जाता है, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को अपनी भक्ति भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार हो जाएगा। यही है कथा है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं कैसे। जैसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। अच्छा अब फिर मैं आपसे कहूं कि वो निराकार पानी ने जो साकार रूप ग्रहण किया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का आकार क्या रहा?
वही जो कटोरी का आकार था। अज्ञेय कोविद अंध अभागी काई विषय पूर मन लागी काई से वेद असम्मत वाणी जिनके सूझ लाभ बातुल भूत विवस मतवारे ते नहीं बोलई वचन विचारे ते नहीं बोलई वचन समारे जिन कृत महा मोह मत पाना तिन कर कहा करिए नहीं खाना।